मार्वल स्टूडियो के सुपर हीरो सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पसंदीदा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एवेंजर्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्कारलेट जॉनसन द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्मिंग के वक्त प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से 3 स्टंट डबल्स को हायर किया था और इसके वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ था सेट पर। क्रिस इवेंस जो कैप्टन अमेरिका प्ले करते थे, इंटरव्यू में कहते हैं कि वो अगर स्टंट डबल के साथ कन्वर्सेशन करना चालू करते हैं तो मिड कन्वर्सेशन में रियलाइज करते हैं कि वो स्कारलेट जॉनसन से बात कर रहे थे। एंड गेम के ट्रेलर को 289 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं सिर्फ 24 आवर्स में, जिससे ये ट्रेलर हाईएस्ट व्यूड मार्वल मूवी ट्रेलर ऑफ ऑल द टाइम बन चुकी है। एज ऑफ अल्ट्रॉन बनाने के लिए 3000 विजुअल इफेक्ट्स लगे थे, जिससे ये मूवी सबसे ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स वाला मूवी था। इससे पहले ये टाइटल होल्डर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी था। थोर का हैमर जॉलनीर कहते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों से उठाया या फिर यूज किया जा सकता है जो उसके वर्दी है, और शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में ब्लैक विडो के अलावा सबने ट्राई किया है। टोनी स्टार्क हर एक मार्वल फिल्म के अंदर चोक्ड हुआ है। वेडन जो कि एवेंजर के डायरेक्टर है, ओरिजिनली 2 विलन्स रखने की सोच रहे थे क्योंकि उन्हें लगा लोकी अकेले पूरी टीम से नहीं फाइट कर सकेगा, पर मार्वल ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था। मार्क रुफेलो डायरेक्टर लुइस लेटीरियर्स के फर्स्ट चॉइस थे ब्रूस बैनर के लिए द इनक्रेडिबल हल्क के अंदर प्ले करने के लिए। बाद में मार्वल ने एडवर्ड नॉर्टन को कास्ट करने के लिए कहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है। जेरेमी रेनर ने अपने रोल हॉकाई के लिए ओलंपिक आर्चरर्स से ट्रेनिंग लिया है पोस्चर और एंगल्स के लिए। रेनर लेफ्ट हैंडेड है पर मूवी के अंदर वो दोनों हाथ से शूट करते हैं। मूवी रिलीज के बाद पूरी कास्ट टीम शावरमा सेल्स लॉस एंजलिस के अंदर शावरमा खाते हुए देखने गए थे। रॉबर्ट ड्राउनी जूनियर ने ट्वाइस मनी अर्न किया है पूरी कास्ट से फर्स्ट फिल्म में। टॉम हिडलस्टन ओरिजिनली थॉर के कैरेक्टर के लिए स्क्रीन टेस्ट दिए थे, जिसके लिए उन्होंने 50 lbs मसल्स भी गेन किए थे, पर कास्टिंग में डिसाइड किया कि हिडलस्टन लोकी थॉर मिस्चीवियस ब्रदर के लिए बेटर फिट रहेंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सारे लैब सेट पर खाना छुपा रखते थे और प्रोडक्शन से कोई भी वो खाना ढूंढ नहीं पाता था। स्पाइडरमैन और डेल डेविल ने कॉमिक्स के अंदर मल्टीपल ऑफर सुपर हीरोज टीम ज्वाइन करने के लिए टर्न डाउन किया है। ब्लैक विडो का कैरेक्टर बहुत यंग दिखता है ना, पर असल में वो 70 years ओल्ड है। कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स के लीडर है मूवीज और कॉमिक्स में भी, पर कैप्टन ने एक्चुअली में 4th इश्यू तक सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। क्रिस हेम्सवर्थ जो थॉर प्ले करते हैं मूवी में अपनी कैलोरी इंटेक चेक में रखते हैं ताकि वो अपना मस्कुलर फिजिक मेंटेन कर सके। ये भी सुनने में आता है कि वो ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाते हैं हर दिन ताकि वो वेट गेन कर सके। एवेंजर्स एक बार जस्टिस लीग के साथ क्रॉसओवर करती है कॉमिक्स में, जहां हीरोज एक दूसरे के अर्थ वर्जन में चले जाते हैं। दोनों टीम्स आपस में फाइट तो करते ही है, टीम अप करते हैं ताकि वो एनिमीज को डिफीट कर सके। आयरन मैन का सूट चेंज होता गया है टाइम के साथ, पर ओरिजिनल सूट ज्यादा दिखाया जाता है वॉल सॉकेट्स में प्लग्ड होकर रेगुलर चार्जिंग के लिए, सेलफोन जैसा नहीं लगता। एवेंजर्स कॉन्सेप्ट कॉमिक डेयरडेविल फर्स्ट कॉमिक के प्रिंटिंग डिले को कवर अप करने के वजह से बनाई गई थी। स्टेन ली ने एग्जिस्टिंग हीरोज के बंच को मिलाकर एक टीम क्रिएट किया था वो डीसी के जस्टिस लीग को राइवलरी में कम्पीट कर सके। तो दोस्तों, थी ना ये वाकई में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एवेंजर के बारे में। तो ये एवेंजर्स से रिलेटेड अगर आपके पास ऐसी ही कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।